आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, थोड़ा नहीं ज़्यादा सीरियस है, लेकिन क्या ये स्टूडेंट से रिलेट करता है बच्चे? बिल्कुल करता है। देखो, आप लोग मोबाइल, लैपटॉप और भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि ईयरफोन्स, स्पीकर, ये सब खरीदते हो, ठीक मानते हो, और सोशल मीडिया भी आप लोग यूज़ करते हो। अब 80-80% ये सब चीज़ें कौन सी कंट्री से आती हैं, नहीं जानते क्या आप? बिल्कुल जानते हो। अब मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूँ बच्चों। देखो, हमारे देश में ना 15 साल से ऊपर 20 साल से नीचे आप कह सकते हो लग 5 करोड़ लोग या उससे ज़्यादा हैं हमारी कंट्री की। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं कम से कम 5 करोड़ लोगों को भी मान लूँ, और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि कम से कम वो लोग, इधर देखते रहना आप लोग, कम से कम वो लोग 3,000 रुपये एक साल में उस देश को देते हैं एज अ प्रॉफिट। 5 करोड़ लोग अगर 3,000 रुपये एक साल में उस कंट्री को प्रॉफिट करवा रहे हैं, तो आप जरा कैलकुलेटर अभी यहाँ आ जाएगा, आप सोच के देखो, आप स्टूडेंट्स एक साल में, क्योंकि 15 से 20 साल में स्टूडेंट्स ही आते हैं, इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। बोलोगे सर हमारा बेटा, अभी आपकी भी बात करूंगा, तो आप सोच के देखो कि 15,000 करोड़ कितना बड़ा प्रॉफिट करवा रहे हो आप। 15,000 करोड़, इतना बड़ा प्रॉफिट उस कंट्री को आप करवा रहे हो। उसमें आप नहीं, मेरे जैसे लोग भी आते हैं, लेकिन हाँ, मैंने कसम खाई है, अब उसका बॉयकॉट करना है तो करना है। और बच्चे दूसरी बात ये, अगर अभी आपने बॉयकॉट नहीं किया, आगे जाके जब आप जॉब्स या बिजनेसेस में जाओगे, तो आप उस कंट्री पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे कि आपको लगेगा काश उस टाइम पे हमने मेक इन इंडिया को सपोर्ट किया होता। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये तो ठीक है कि प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, यहां मैं कुछ कंपनीज के नाम दे रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, इनको सरासर बॉयकॉट करना है। स्पेलिंग्स देख के आप समझ जाना मैं किन की बात कर रहा हूं, ठीक है? और इनके कुछ ऑल्टरनेटिव भी दूंगा मैं, ताकि आप इनको छोड़ के किसको यूज करोगे, किसको खरीदोगे, वो सब भी मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं सर, क्या इससे हमें कोई फायदा नुकसान? आप बच्चे देखो, सस्ते में उनसे सामान तो ले रहे हो, लेकिन वो सस्ता आपको इतना महंगा पड़ रहा है, आपकी पर्सनल डिटेल कूड़े के भाव में बेच रहे हैं वो लोग। और ये सब बातें मैं स्टूडेंट से ही क्यों कर रहा हूं? आप देश का भविष्य हो, और सबसे ताकतवर खंभों में से एक हो देश के। अगर आपसे नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? और अभी जो आप दिन रात पढ़ाई लिखाई में मेहनत कर रहे हो, हर कोई करता है, क्या आपको उसका फल मिलेगा? फल जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हो तो आपके लिए और कंट्री के लिए तभी बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका फ्यूचर भी खतरे में है, क्योंकि आप और हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं उन पे, जो कि बहुत हानिकारक है। अब दूसरी बात यह है कि सर, आपने कुछ कंपनी जो ऑल्टरनेटिव थी उनके नाम दिए हैं, वो सारी तो इंडियन नहीं है। मानता हूँ भाई सारी इंडियन नहीं है, लेकिन आप ये भी तो सोचो, 1450 किलोमीटर का बॉर्डर क्या हम उन देशों से शेयर करते हैं या उस देश से शेयर करते हैं? मानते हो? ठीक है बच्चे, अब फैसला आपके हाथ में है, स्टूडेंट पावर दिखा के रहनी है।